दिल्ली से शराब की तस्करी कर दूसरे राज्यों में ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप मंडावली थाना पुलिस ने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास से पकड़ी है। शराब तो एक कंटेनर में बनाए गए तहखाने में छिपा कर ले जाई जा रही थी। जांच करने पर कंटेनर पर लगी हरियाणा नंबर प्लेट भी फर्जी मिली। पुलिस ने ट्रक चालक, हेल्पर और दो अन्य लोगों को पकड़ लिया है, जो खुद को कंटेनर का संरक्षक के रूप में दावा कर रहे थे। आरोपियों की पहचान रामकरण सिंह जिला सीकर राजस्थान, सतपाल सिंह जिला नागौर राजस्थान, डैनी उत्तम नगर दिल्ली और रूपेश गुप्ता निवासी लक्ष्मी नगर के रूप में की गई है। डीसीपी प्रियंका कश्यप के मुताबिक एक गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर कश्मीरी लाल की देखरेख में मंडावली की एक टीम योगेश, नितिन, संजीत, मनोज ने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास एक कंटेनर को रोका जो CWG गांव की ओर से आ रहा था। कर्मचारियों द्वारा कंटेनर की जांच की जा रही थी। इस बीच कंटेनर का संरक्षक होने का दावा करते हुए दो और व्यक्ति एक कार में आए। उन्होंने दावा किया कि कंटेनर में गद्दे और अन्य कच्चा माल ले जाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से जांच करने पर पता चला कि एक गुप्त दरवाजा था जो ड्राइवर सीट के पीछे से खुल रहा था। इस दरवाजे को खोला गया तो अवैध शराब से भरा हुआ था। कंटेनर से बियर के 75 कार्टन समेत कुल 350 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई।